मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में कमीशन खोरी के चलते घटिया निर्माण कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इंडिया फर्स्ट आज आपको दिखाएगा राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया में सीमेंट के साथ रेत नहीं बल्कि गिट्टी की डस्ट मिलाई जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर पुलिया बनने के बाद उसे फिर तोड़े जाने की बात कह रहे हैं। ठेके का यह काम कोई और नहीं बल्कि इलाके के भाजपा नेता कर रहे हैं। कमीशन खोरी को बेनकाब करती देखिए इंडिया फर्स्ट की एक खास रिपोर्ट। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पुलिया बनाने के मटेरियल में रेत की जगह दरअसल गिट्टी की डस्ट मिलाई जा रही है, यानी कमजोर पुलिया जो कि किसी भी समय ढह सकती है। आम लोगों की जान को जोखिम में डालने का यह काम किया जा रहा है। नरसिंहगढ़ सोनकच बैरसिया रोड के बीच पलासी गांव के नाले पर 57 लाख की लागत से बनाई जा रही इस पुलिया का निर्माण कार्य मिला तो था किसी और ठेकेदार को, लेकिन इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सौंप दिया गया रसूखदार भाजपा नेता निर्मल जैन के बेटे तनय जैन को। यानी घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाले के सामने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पीडब्ल्यूडी अधिकारी और विधायक गिरीश भंडारी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। पलासी की जो पुलिया निर्माण हो रहा, मैंने भी उसका निरीक्षण किया था। उसमें बहुत घटिया स्तर का काम किया जा रहा है। वहां पर नालों की रेती लगाई जा रही है। इस बारे में मैंने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री, नहीं रेती भी नहीं लगाई जा रही है, गिट्टी की जो बनी हुई चूरी डस्ट वो लगाई, हाँ वो भी डाली जा रही है। और उस बारे को लेकर, उस बात को लेकर मैंने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को भी मैंने इस बारे में सूचित किया था। तत्काल उसका निरीक्षण करें और जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको तत्काल रोके। काम के लिए क्वालिटी कंट्रोल से काम किया जा रहा है और उसके टेस्ट परीक्षण भी लगाए जा रहे हैं। उसमें रेत का उपयोग नहीं किया जा रहा, मैंने रेत का उपयोग तो किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रेत का भी उपयोग किया गया उसमें। और अंदर जो डाले बड़े बड़े बोल्डर डाले हाथ के फुटे हुए, नहीं नहीं अंदर बोल्डर नहीं डाले हैं, वो जो है 22.4 mm के नीचे के डले हुए हैं। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं क्या? 22 mm के डले बोल्डर नहीं है। और अभी जो कल हमने देखा तो उसमें जो सही से काम होना चाहिए तो वो रिपेयर कर रहा है उसकी कोई, नहीं रिपेयरिंग नहीं, मानक स्तर से कार्य किया जा रहा है। उसमें कहीं कोताही बरती जा रही है, अगर ऐसा है तो ठेकेदार का जो है कार को सुधरवाया जाएगा, उसको वार्निंग मिल जाएगी। देखो क्यूरिंग तो उसने की है, अगर क्यूरिंग करने के बाद अगर स्ट्रेंथ नहीं आती है तो उसको मतलब कोना करना पड़ेगा। एयर मिक्सर भी बना रहा है वो, मतलब मटेरियल डाल रहा है जिससे क्यूरिंग पे मतलब जो है सही हो जाती है। पुलिया की तो वारंटी मतलब जो है हम उसका 10% तो हम अभी रोकेंगे पैसा, ठीक है ना, और एक रेनी सीजन तक पैसा रोका रहेगा उसका, उसके बाद देंगे। साफ है रिश्वतखोरी को मुनाफा कमाने की जुगत में जनता की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ये सिर्फ एक पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की कमीशनखोरी का उदाहरण है। अगर अब भी राजधानी में बैठे विभाग के आला अधिकारी और मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो क्या यह समझा जाए कि इस भ्रष्टाचार के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं? इंडिया फर्स्ट लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेगा। आप भी देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। लॉग इन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट indiafirst.online पे। नमस्कार।